तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इम्पल्स का डिस्कशन, और इम्पल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, स्पेशली जहाँ पे स्ट्रिंग की इम्पल्स से रिलेटेड थे क्वेश्चंस। और मैंने ये बताया था कि अगर एक्सटर्नल इम्पल्स है भी, तो जिस डायरेक्शन इम्पल्स नहीं है उस डायरेक्शन में हम तो मोमेंटम कंजर्व कर ही सकते हैं, ठीक है। और जिस तरफ लग रही है इम्पल्स, वहां पे इम्पल्स मोमेंटम की इक्वेशन बना सकते हैं। और एज अ टेक्निक कई बार अच्छा रहता है कि सिस्टम एज अ होल के लिए हम इम्पल्स की इक्वेशन लिखें रादर देन इंडिविजुअल बॉडीज के लिए, जिस तरह से हमने लॉज ऑफ मोशन में भी देखा था कि कैसे कंबाइंड सिस्टम्स के लिए सिग्मा एम आई ए इक्वल टू एफ लिखना इजी पड़ता था, उसी तरह की बात है, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्सेस कुछ नहीं लग रहे, लेकिन इम्पल्स की तरह से सोचने से ये क्वेश्चन है जो आसान हो जाता है। तुम लोग देखोगे स्पेशली जहां पर भी मेरा के टाइम्स वी टाइप का फोर्स आता है, या वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल जब भी फोर्स आता है, इसको इंटीग्रेट करने का मन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि के टाइम्स वी का इंटीग्रल के टाइम्स एस हो जाता है, राइट। तो कई बार डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहाँ पे पूछा होता है, तो अक्सर इसको इंटीग्रेट करके वी वेक्टर का इंटीग्रल सीधे डिस्प्लेसमेंट मिलता है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। पाथफाइंडर का बहुत अच्छा क्वेश्चन, और अगर ढंग से किया तो पक्का आई एम श्योर यू विल, मतलब होने के बाद लगेगा अरे वाह क्या हो गया इस तरह का, अगर प्रॉपरली लिखोगे उसको। तो क्वेश्चन क्या है, बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग इन वन एंड ऑफ अ 9 मीटर लॉन्ग बोट ऑफ मास 100 kg, ठीक है। 9 मीटर लंबी बोट पे एक आदमी खड़ा, यानी लड़का खड़ा 50 kg का, और बोट का खुद का वेट कितना, मास 100 kg, दैट इज फ्लोटिंग मोशनलेस ऑन अ कामली। द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द बोट एंड स्टॉप्स देयर, तो ये चल के दूसरी तरफ चला गया और वहां पे जाके रुक गया। हमें ये नहीं बोला बताया कि वो भाग के गया है, चल के गया है, एक्सेलरेट करके डिसेलरेट किया है, या क्या है। तो ऑब्वियसली रेस्ट से रेस्ट पे गया, यानी फाइनली तो रुक गया दूसरे एंड पे, तो ऑब्वियसली फिर बोट के रिलेटेड वेलोसिटी तो फाइनली 0 ही होनी पड़ेगी, नहीं तो कूद ही जाएगा पानी की। तो ही जस्ट रीचेस द अदर एंड एंड जस्ट मे बी सिट्स देयर और स्टैंड्स देयर, ठीक है, एंड स्टॉप देयर लिखा। तो बोट आल्सो मूव्स एंड फाइनली स्टॉप ड्यू टू वाटर रेजिस्टेंस, तो क्या पानी से उसके ऊपर रेजिस्टेंस लग रही है, तो इसलिए बोट भी फाइनली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगी। तो क्या लिखा, इफ द फोर्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू वाटर, यानी बोट की अगर वेलोसिटी वी है तो वाटर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है उसको माइनस के टाइम्स वी वेक्टर मान सकते हो। बोट आगे जा रहे तो पीछे लेगा, पीछे जा रही है तो आगे लेगा, ठीक है, जो वाटर रेजिस्टेंस है। तो इट्स प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटेड टू वाटर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट, तो बोट का खुद का कितना नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके ऊपर हमें कॉमेंट करना है। खुद से ट्राई करना चाहोगे, ट्राई करते। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ट विजुअलाइज यूजिंग द एक्सटर्नल इम्पल्स। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इम्पल्स क्या है, यहाँ पे देखो एक्सटर्नल इम्पल्स के टाइम्स वी है, वेलोसिटी वेक्टर अगर बोट का आगे की तरफ है वी, तो उसके अगेंस्ट पीछे की तरफ के वी लगेगा, राइट। तो क्या लिखा हमने, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0 और फाइनल मोमेंटम भी 0 है सिस्टम का, ओके। तो इसका मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम भी 0 और एक्सटर्नल इम्पल्स शुड बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, राइट। तो एक्सटर्नल इम्पल्स क्या, माइनस के वी डी टी, माइनस के वी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0, बॉय भी रेस्ट से चला था, रेस्ट पे ही है, और बोट भी रेस्ट पे आ चुकी है, तो सब कुछ रेस्ट पे ही है ना सिस्टम। तो इसका मतलब क्या, माइनस के एस इक्वल टू 0, मतलब एस क्या है मेरा 0, यानी बोट का नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 ही होने वाला, ठीक है। यानी तो हुआ क्या होगा, एक्चुअली आदमी ने जब चलना शुरू किया होगा तो शुरू शुरू में तो बोट को पीछे की तरफ धक्का दिया होगा, और बाद में ब्रेक लगाया होगा तो आदमी ने आगे की तरफ धक्का दिया होगा बोट को डिसेलरेट करने के लिए। तो ओवरऑल इफेक्ट इस तरह का ऐसा हो रहा है कि वो फाइनली जाके रेस्ट से शुरू होकर रेस्ट पे ही पहुंच जा रहा है, ठीक है। नहीं, बोट जो फाइनली रेस्ट पे आ जा रही, नहीं रेस्ट पे तो खैर आ रही है, सॉरी, उतना ही डिस्प्लेसमेंट, यानी 0 डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है उसका, ठीक है। नहीं, चलने के लिए उसने पहले पीछे की तरफ धक्का दिया होगा, वैसे चलने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बट शुरू में तो ऑब्वियसली एक्सीलरेट करना है तो बोट को पीछे ही धक्का दिया होगा, और उसके बाद रुकने के लिए ऑब्वियसली ब्रेक लगाया होगा उसने, तो उस प्रोसेस में उसके पैरों पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन होना चाहिए बोट से, राइट, नहीं तो वो कैसे रुकेगा, ठीक है। समझ में आई बात सभी को, क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कोलिजन। तो कोलिजन क्या है, जब भी दो सरफेसेस हैं जो अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, वो अचानक एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो बाय बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट देयर फोर्स टू मूव एट द सेम स्पीड, राइट। ये ऐसे कोई, ये हाथ चल रहा है, ये हाथ चल रहा है, और ये दोनों जब टकराएंगे तो दोनों सर्फेसेस को बाय वर्च्यू ऑफ कंस्ट्रेंट दे हैव टू मूव टुगेदर। तो जब तो सडनली चेंजेस होंगे हमारे वेलोसिटी के, बहुत ही कम टाइम में हमारा अच्छा खासा चेंज होगा, अनलेस द बॉडी इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, समथिंग लाइक स्प्रिंग। जनरली बॉडी इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, टक्कर लगने के फ्यू मिली सेकेंड्स के अंदर ही हमारे वेलोसिटी चेंजेस कितने ले जाते हैं, यानी मतलब जो भी होता है पूरी कोलिजन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होती है। कोलिजन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है, जब पहला कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है तब कोलिजन प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब कॉन्टैक्ट हमारा छूट जाता है तो उसके बाद कोलिजन प्रोसेस एंड हो जाती है। तो टिपिकली ये जो कोलिजन प्रोसेस होगी ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स के लिए मिली सेकेंड्स के ऑर्डर की होगी, इज इट ट्रू।
बहुत ही जल्दी है खत्म हो जाएगा हमारा कोलिजन जो है। हाँ यहीं पे, लेकिन अगर मान लो स्प्रिंग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से मान लो एक और ब्लॉक आके टकरा रहा है तो फिर देन इट कैन टेक अ फाइनाइट अमाउंट टाइम, बट मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर नॉट सो स्लो। ठीक है, तो कोलिजन समझ में है ना क्या? यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग किस तरह के कोलिजन से डील करेंगे, हम लोग इस चैप्टर में स्मूथ ऑब्जेक्ट्स के कोलिजन से डील करेंगे ताकि वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्रिक्शन। एक्चुअली तो क्या, अगर रफ ऑब्जेक्ट के साथ में कोलिजन हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन मेरा इंपल्सिव होगा, तो साथ साथ में क्या फ्रिक्शन भी इंपल्सिव होगा, तो देयर विल बी टैंजेंशियल इंपल्स आल्सो। मतलब एक तो ये कि टक्कर लग रही है तो नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स है, उसके अलावा फ्रिक्शन का इंपल्स भी होगा, सरफेस के टैंजेंशियल भी होगा। तो इस चैप्टर में वी विल नॉट वरी अबाउट द टैंजेंशियल इंपल्सेस। रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे टैंजेंशियल इंपल्सेस का क्या रोल है, क्योंकि क्या होगा अगर जैसे स्फेयर्स हैं, रफ स्फेयर्स अगर आपस में टकरा रहे हैं तो टक्कर के बाद अगर वो स्फेयर स्मूथ नहीं है तो दे ऑल्सो गेन सम एंगुलर वेलोसिटी। सोच के देखो, रफ चीज अगर रगड़ गई तो दूसरे वाले स्फेयर को ये घुमा देगा, एक टॉर्क जनरेट होगा फ्रिक्शन का स्फेयर के बाद। सो वी विल नॉट बी डीलिंग विद सच प्रॉब्लम जहाँ पे चीजें घूमने लग गई टक्कर के बाद। तो जनरली क्या होगा, या तो हेड ऑन कोलिजन बिटवीन ब्लॉक्स देखेंगे, फेस टू फेस कोलिजन हो रहा है फेस टू फेस और कोई टैंजेंशियल इंपल्स एनी वे है ही नहीं, या फिर हम देखेंगे स्मूथ स्फेयर्स का कोलिजन जिसमें एनी वे कोई टैंजेंशियल ये नहीं है इंपल्स, जो भी है नॉर्मल के लॉन्ग इंपल्स, यानी अगर यूनिफॉर्म स्फीयर्स हैं तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू सेंटर होगी इंपल्स, राइट? क्या लिखा, व्हेनेवर टू सरफेसेस मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी सडनली कम इन कांटेक्ट वी हैव अ कोलिजन। द कोलिजन फोर्सेस द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू सरफेसेस टू मूव विद द सेम स्पीड। कोलिजन की वजह से ये मतलब ये समझ गए ना, सरफेसेस आर फोर्स टू मूव विद द सेम स्पीड, ये कहना चाह रहा हूं। ओके, अंटिल द कांटेक्ट लास्ट, जब तक कांटेक्ट। इन दिस चैप्टर वी विल मेनली डीलिंग विद कोलिजन ऑफ स्मूथ ऑब्जेक्ट्स where there is no impulse of friction during collisions, mostly collisions of spheres where impulse of normal reaction will pass through the center of mass। तो उसकी भी चिंता नहीं करनी कि ऑफ सेंटर लग रही है, ठीक है? यूनिफॉर्म स्फेयर होगा तो ऑफ सेंटर का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्फेयर होगा तो फिर एक प्रॉब्लम आएगी। नॉन यूनिफॉर्म स्फेयर होंगे तो कॉन्टैक्ट, तो जो इम्पल्स होगी टक्कर की वो तो सेंटर टू सेंटर लाइन जॉइनिंग के लॉन्ग होगी, जबकि सेंटर ऑफ मास कहीं और होगा, उस केस में भी स्फेयर घूमने लग जाएंगे। वो देखेंगे रोटेशन मैकेनिक्स में ऐसा क्यों होगा, तब समझ में आएगा। बट हम लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम डील करेंगे, या सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास जो है उस लाइन जो है लॉन्ग इंपल्स चल रही है, तो हमें घूमने के लिए घूमेंगे नहीं ऑब्जेक्ट्स कोई भी, तब तरीका ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हम लोगों की लाइन ऑफ इम्पैक्ट की। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे डिफाइन होता है, जब भी दो स्फीयर्स में टक्कर हो रही है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो कॉमन नॉर्मल की लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्फीयर्स में ऑब्वियसली लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज द लाइन पासिंग थ्रू द लाइन जॉइनिंग द I mean, it's the line joining the centers of the two spheres. और this is also the line जिसके along normal reaction act करेगा, या हम कहेंगे collision की impulse act करेगी। आपस में अगर collide करे bodies, तो क्या होगा? Normal reaction impulsive होगा, वो impulsive normal reaction will act along the line of impact. Common normal at the point of impact is known as line of impact. For collision of smooth spheres, this is the line joining the center of the spheres. This is also the line along which the impulse of normal reaction acts on the colliding body. Okay? इनफैक्ट कोलिजन्स में हम लोग काफी थियरी पहले पढ़ेंगे बिफोर वी गेट टू द प्रॉब्लम्स, तो कोशिश करते हैं थियरी जितना जल्दी कवर कर सकते हैं उसके बाद, सो दैट वी कैन गेट टू द इंटरेस्टिंग स्टफ। मतलब ठीक है, सारे फिजिक्स इंटरेस्टिंग होता है बट जहाँ पे दिमाग भी एंगेज हो थोड़ा, ठीक है? तो अगला जो है हम लोगों का क्या है, डेफिनेशन ही है डायरेक्ट कोलिजन्स या फिर हेड ऑन कोलिजन्स। तो हेड ऑन कोलिजन्स कैसे होते हैं, जब टक्कर जब लग रही है तो टक्कर के पहले ऑब्जेक्ट्स की कुछ वेलोसिटीज होंगी, राइट? टक्कर के बाद कुछ वेलोसिटीज होंगी। अगर टक्कर के पहले की वेलोसिटीज जो हैं वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही हैं, तो उस तरह के कोलिजन को हम क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन या डायरेक्ट कोलिजन। ये जरूरी नहीं कि हमारा हर कोलिजन हेड ऑन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचो कि एक एक कोई कैरम का कॉइन इस तरफ भागा जा रहा है, ठीक है, और दूसरा कॉइन आके इसको ऐसे करके ऐसे हिट कर रहा है, तो अभी इंपल्स को इस डायरेक्शन में हो जाएगी, जबकि इनकी वेलोसिटीज जो है ऐसे ऐसे करके थी, बात समझ आएगी? तो दिस इज नॉट अ हेड ऑन कोलिजन। एक कॉइन ऐसे जा रहा था, एक कॉइन ऐसे जा रहा था, इनकी सिमेट्रिकली मान लो टक्कर हुई, तो दिख रहा है नॉर्मल की इंपल्स ऐसे हुई बट इनकी वेलोसिटीज जो है इंपल्स की डायरेक्शन में नहीं है, तो दिस इज नॉट अ हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, टक्कर से पहले जो वेलोसिटीज हैं वो हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग में, या तो रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे तो जीरो वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में मान लो, या फिर अगर रेस्ट पे नहीं है बॉडीज तो उनकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होनी चाहिए। अलोंग मतलब अगेंस्ट भी चलेगा, यानी आमने सामने ये भी चलेगा, या फिर ये चेज करके उसको टक्कर करे ये भी चलेगा। बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड द हेड ऑन कोलिजन। समझ गए, तुम लोग सोच रहे हो यार इसको हेड ऑन क्यों बोल रहे हैं, चेज करके पीछे टक्कर दे रहा है तो व्हाई इज इट बीइंग कॉल्ड हेड ऑन? फ्रेम चेंज करोगे तो हेड ऑन दिखने लग जाएगा,
सेंट्रो मास्टर में देखोगे तो आमने सामने की टक्कर है, इज इट नॉट? तो ये मत सोचना कि चेज करके टक्कर दे रहा तो ये आमने सामने की टक्कर नहीं, इन अ वे ये भी आमने सामने, यानी एक दूसरे की तरफ आते हुए टक्कर की तरफ विजुलाइज कर ही सकते हो सेम चेंज करके। और हम देखेंगे कि कोलिजन्स में कई बार वापस सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हम देखेंगे बहुत काम आसान हो जाएगा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा यूजफुल जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है टू बॉडी प्रॉब्लम हमने स्पेशली सॉल्व किया, वो ज्यादातर जो है कोलिजन्स के लिए उसका यूज है। क्योंकि कोलिजन में अक्सर दो बॉडीज ही टकरा रहे होंगे ज्यादातर, बस उसमें मतलब ठीक है देखेंगे जहाँ पे थर्ड पार्टी इंपल्स भी, बट ज्यादातर कोलिजन जैसे फ्री कोलिजन हम देखेंगे तो दो बॉडीज टकरा रहे होंगे। तो टू बॉडी जो थियरी हमने की है दैट विल बी वेरी हैंडी इन डीलिंग विद टू बॉडी कोलिजन्स। ठीक है ठीक है, तो समझ गए यहाँ पे ये डायरेक्ट कोलिजन्स की मैंने डेफिनेशन बता दी। ठीक है, क्या लिखा? ड्यूरिंग द कोलिजन द सर्फेसिज ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज डिफॉर्म एंड अगेन रिफॉर्म एंड मे नॉट रिफॉर्म कम्प्लीटली ऑल द वाइल नॉर्मल एक्शन बिटवीन देम दस कॉजिंग द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज। तो ये मैकेनिज्म क्या है, देखो हेड ऑन कोलिजन का मैकेनिज्म क्या है, तो ये एक बॉडी है एक बॉडी है, अगर इसको बहुत ही स्लो मोशन में करके देखो, मान लो 1000 टाइम स्लोअर कर दो या 1 लाख टाइम स्लोअर कर दो, तो होता क्या, सर्फेस टच में आया खाली सर्फेस के पार्टिकल्स की इमीडिएटली सेम वेलोसिटी हुई, रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम नहीं। इट्स नॉट अ रिजिड बॉडी, नथिंग इज अ रिजिड बॉडी एक्चुअली, बेशक कितना ही कह लें कि वी आर ट्रीटिंग इट लाइक अ रिजिड बॉडी, तो इवन लोहे का भी अगर स्फेयर ले रहे हो या डायमंड का भी स्फेयर ले रहे हो ना, तो वो भी रिजिड बॉडी नहीं है। हमेशा जब भी सर्फेसेस टकराते हैं सर्फेस के जो पार्टिकल्स हैं यानी एक नेग्लिजिबल डीएम थिकनेस की लेयर कह लो, वो सेम वेलोसिटी पे आती है। पूरा का पूरा बॉडी अगर लिटरली सेम वेलोसिटी पे अचानक से आ गया तो लिटरली इनफाइनाइट हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और चीज टूट ही जाएगी, पक्की बात है, इट विल ब्रेक। इनफाइनाइट नॉर्मल रिएक्शन से तो टूट ही जाएगी ना कोई भी चीज। तो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन लार्ज होता है लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता। वो क्यों होता है, क्योंकि जो सरफेस टू सरफेस टच आता है तो एक डीएम मास ही होता है जो सेम वेलोसिटी पे कंस्ट्रेंड होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके प्रोपगेट होता है टू द अदर लेयर्स। ठीक है, तो उसके बाद ये कोलिजन प्रोसेस देखोगे तो बाकी लेयर्स भी दबनी 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 शुरू हो गई, तो डिफॉर्मेशन चालू है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है आपस में बॉन्ड सोचो कॉम्प्रेस हो रहे होंगे, ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कॉम्प्रेस होते जा रहे हैं, राइट। कॉम्प्रेशन होगा उसके बाद क्या होगा, फिर किसी टाइम पे ये जीरो वेलोसिटी पहुंचेगा, फिर रिवर्सल चालू होगा पार्टिकल्स पर, जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉल को फेंक देते पोटेंशियल एनर्जी गेन करके उसके बाद फिर रिवर्सल चालू होता है। ऐसे ही कोलिजन में क्या हो रहा है, जब ये डिफॉर्मेशन चल रहा है तब फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, या तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है या फिर कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आते हैं तो उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है। जैसे चक्कर लगती है तो कई बार साउंड एनर्जी बाहर निकल जाती है, वो तो किस बात पे डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ मटेरियल्स पे डिपेंड करती है। जैसे रबर बॉल का रबर बॉल से कोलिजन करा रहे हो तो बहुत कम साउंड एनर्जी निकलेगी, मोस्टली इट विल बी स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर आटे की बॉल को आटे की बॉल से अगर तुम टकरा रहे हो तो फिर कुछ साउंड निकलेगी, या प्लास्टिक बॉल से टकरा रहे हो तो कुछ साउंड एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये एनर्जी स्टोर हो रही हो रही हो रही, इसके बाद फिर क्या होगा, ये स्प्रिंग जैसे दब गया एक तरह से वैसा है, और उसके बाद फिर रिफॉर्मेशन प्रोसेस चालू होगी। ठीक है, रिफॉर्मेशन प्रोसेस चालू होगी, अब इससे इनके सेंटर ऑफ मास में अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम आ गया, अगर सेंटर मास फ्रेम से देख रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम आ गया, और उसके बाद उस मोमेंटम की वजह से ये सर्फेसेस फाइनली सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है नहीं? और अगर नई रिफॉर्मेशन होगा, इस तरह की इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है सर्फेसेस के अंदर, या फिर बॉडी के मैट्रिक्स में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अच्छे से रिफॉर्म हो सके, जैसे आटे की बॉल को आटे की बॉल से टकराते हो तो डिफॉर्मेशन तो होता है लेकिन रिफॉर्मेशन उतना नहीं होता है, तो हल्का सा रिफॉर्म होने के बाद भी सर्फेस चिपके रह जाएंगे, समझ गए कि नहीं? ठीक है, और नहीं तो जैसे प्लास्टिक बॉल है तो होता है रिफॉर्मेशन लेकिन उतना नहीं होता है, तो कुछ जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर आ गया तो कुछ बॉन्ड एनर्जी इसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, स्ट्रेन इंटरनल क्रिस्टल के अंदर स्ट्रेन आ सकते हैं, लोहे का लोहे से भी जैसे टक्कर होती है गाड़ी, तो गाड़ियों की टक्कर होती है, थोड़ी थोड़ी टक्कर में नजर नहीं आता डिफॉर्मेशन तो हमको, लेकिन जब अच्छे खासे बैंक करके देखते हो ना कि आयरन पूरी तरह से बेंड हो चुका है, तो उसके अंदर भी तो एनर्जी जाएगी कि नहीं? ठीक है, तो रिफॉर्मेशन मे नॉट बी कम्प्लीट, सो पार्शियल पार्शियली रिफॉर्म हो सकता है, कम्प्लीटली रिफॉर्म नहीं हुआ, तो उस केस में कुछ एनर्जी या तो क्रिस्टल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी या फिर साउंड एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगी, हीट एनर्जी निकल सकती है, समझ गए कि नहीं? तो कोलिजन्स अगर कुछ भी एनर्जी का लॉस नहीं होता तो उनको इलास्टिक बोल देते हैं, और कुछ मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता है तो इन इलास्टिक कोलिजन बोल देते हैं। ठीक है, और बाद में देखेंगे देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक, तो वो आगे हम देखेंगे। तो आई होप समझ में आया ना मैकेनिज्म क्या हो रहा है, दब रहा है सरफेस उसके बाद रिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, दैट्स हाउ द कोलिजन वर्क्स। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्री कोलिजन्स। तो दो तरह के कोलिजन्स पढ़ेंगे, फ्री कोलिजन्स वर्सेस कंस्ट्रेंट कोलिजन्स। वैसे ये कोई बहुत स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है कंस्ट्रेंट कोलिजन्स, लेकिन अब कुछ नाम देना फेनोमेनन को तो मैं इसको कंस्ट्रेंट कोलिजन्स कहता हूँ। तो फ्री कोलिजन क्या होता है, जब टक्कर लग रही है आपस की, टक्कर के सिवा और कोई इंपल्स नहीं है, यानी एक बॉल हवा में दूसरी बॉल भी हवा में, दोनों की आपस में टक्कर हुई, तो
जो द ओनली इम्पल्स एक्टिंग ऑन द टू बॉल्स इज जस्ट द इम्पल्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द म्यूचुअल कोलिजन, ठीक है नहीं? तो दिस इज द फ्री कोलिजन, मतलब कोलिजन के बाद बॉल्स आर फ्री टू गो इन व्हाटएवर डायरेक्शन दे लाइक, या फिर व्हाटएवर डायरेक्शन दिस म्यूचुअल कोलिजन इम्पल्स गवर्न्स, ठीक है? वेर एज अगर बॉल को तुमने जमीन पे रखा है, एक बॉल को तुमने जमीन पे रखा और दूसरे बॉल से उसको ऐसे हिट कर रहे हो, जैसे कंचे खेलते तो ऐसे एक बॉल को दूसरे, पता नहीं तुम लोगों ने बचपन में नहीं खेला होगा, आजकल तो मोबाइल पे खेला होगा कुछ भी, ठीक है? हाँ, तो कंचे को ऐसे दूसरे कंचे से हिट करते हैं, तो क्या दूसरा कंचा जो है वो ऐसे रैंडमली किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकता, इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग द सर्फेस ऑफ अर्थ, राइट? तो होगा क्या, ऊपर से जब एक बॉल को दूसरे बॉल से जब तुम हिट कर रहे हो तो वो जाना तो चाहता है जिस तरफ हिट लगी उस डायरेक्शन में, लेकिन अर्थ जो उसके वर्टिकल मोमेंटम को अरेस्ट कर लेगा, इट विल नॉट अलाउ इट टू हैव अ वर्टिकल मोमेंटम, इट विल बी फोर्स टू मूव अलोंग द सर्फेस। उस केस में क्या, अपार्ट फ्रॉम द कोलिजन ऑफ द म्यूचुअल, आई मीन इंपल्स ऑफ द म्यूचुअल कोलिजन, जो बॉल से आपस की टक्कर की इंपल्स है वो तो है ही है, इसके अलावा अर्थ से भी एक इंपल्स लग रही है, थर्ड पार्टी इंपल्स है, कोलाइडिंग बॉडीज के इंपल्स के अलावा एक थर्ड पार्टी इंपल्स है, तो वो हमारा क्या है, दैट इज नॉट अ फ्री कोलिजन, उसको मैं कहूंगा कंस्ट्रेंड कोलिजन, बिकॉज बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग सर्टेन डायरेक्शंस, सर्टेन डायरेक्शंस आर इज कंस्ट्रेंड टू नॉट मूव अलोंग सर्टेन डायरेक्शंस, तो वो कंस्ट्रेंड कोलिजन उस सेंस में, राइट? या फिर समझो कि एक बॉल है जिसको छत से मैंने बांध दिया, तो बांधी हुई बॉल को मैं दूसरी बॉल से हिट करूं, तो नाउ इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग सर्फेस ऑफ अ स्फीयर, राइट? सर्कल सर्कुलर आर्क में जाएगा, तो मतलब क्या है, यानी सीधे सीधे बात करूं तो यानी अगर ऐसे किसी की पिटाई कर रहे हो तो फ्री कोलिजन, और पढ़ के पिटाई कर रहे हो, पिटाई भी कर रहे हो उसको जाने भी नहीं रहे कहीं पे, तो वो हमारा कंस्ट्रेंट कोलिजन है, समझ गए कि नहीं? उसको बांध के पिटाई कर रहे हो तो कंस्ट्रेंट कोलिजन है, समझ में आया कि नहीं? तो जैसे उसको अर्थ के अंदर घुसने नहीं दे रहे हो, मतलब पिटना भी है उसको अर्थ के अंदर घुसना भी अलाउड नहीं, या फिर धागे से बांध के उसको यानी रैंडम डायरेक्शन जा नहीं सकता, ऐसे इंपल्स लग रही है लेकिन उस तरफ जाना नहीं, उसको जाना सर्कल के अलाउड, ये कंस्ट्रेंट कोलिजन है, समझ में आई बात के लिए, ठीक है? तो अपार्ट फ्रॉम द इम्पल्स ऑफ म्यूचुअल कोलिजन देर इज ऑल्सो थर्ड पार्टी इम्पल्स, वो कंस्ट्रेंट कोलिजन, और अगर थर्ड पार्टी इम्पल्स नहीं है तो इट्स अ फ्री कोलिजन। तो फ्री कोलिजन में हम क्या कर सकते हैं, फ्री कोलिजन में क्योंकि हमें पता है जो भी इम्पल्स है आपस की टक्कर की इम्पल्स है, तो इसलिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है? तो अगर मान लो टक्कर के पहले u1 और u2 वेलोसिटीज है और टक्कर के बाद v1 और v2 वेलोसिटीज है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 होल्ड करेगा, ठीक है? यहाँ पे ये इस फिगर के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, एक्चुअली तो वैसे वेक्टोरियली भी होल्ड करेगा, बट अगर हेड ऑन कोलिजन है तो हम इसे किसी एक राइट वर्ड डायरेक्शन पर पॉजिटिव लिख सी, हमें पता है कि जब भी वन डायमेंशनल मोशन भी स्टडी किया था तो हमने स्केल साइन स्केलर की तरह ट्रीट कर लिया था वेलोसिटी को, राइट? तो उसी सेंस में यहाँ पे वेक्टर साइन इसीलिए मिसिंग है क्योंकि u1 u2 और v1 v2 को हमने साइन स्केलर की तरह ट्रीट किया हुआ, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो उस तरफ है तो वो पॉजिटिव है, उस तरफ उसके अगेंस्ट है तो नेगेटिव है, आया समझ में फ्री कोलिजन क्या है, ठीक? आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखो रेस्टिट्यूशन, अभी रेस्टिट्यूशन को थोड़ा सा और बारीकी से देखते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बताया था, रेस्टिट्यूशन के दौरान सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आए, शुरू शुरू में डीएम मास कॉन्टैक्ट में आए, धीरे धीरे करके और मास और मास और मास उस पर इफेक्ट किए, अगली लेयर पे ये ट्रांसमिट होता जा रहा है, ठीक है? उसके बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन के दौरान कुछ नॉर्मल रिएक्शन की इम्पल्स होगी, ठीक है? उसको इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कहते हैं, जब डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म होते होते नॉर्मल रिएक्शन की जो इम्पल्स लगी वो हमारा क्या कहलाता है, वो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन कहलाता है। तो अब सोच के देखें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसका भी मोमेंटम म्यू टाइम्स वी रेल है, इसका भी मोमेंटम म्यू टाइम्स वी रेल है, राइट? और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे, यानी कि इंडिविजुअल बॉडीज के सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे आ जाएंगे, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो दोनों बॉडीज एक साथ रेस्ट पे आएंगे, ठीक है नहीं? दोनों बॉडीज के सेंटर ऑफ मास एक साथ रेस्ट पे आएंगे, तभी कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो इंश्योर होगी, राइट? तो अभी डिफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब कि इंपल्स और डिफॉर्मेशन क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम म्यू टाइम्स वी रेल था, और जब डिफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो मोमेंटम इज जीरो, समझ में आई बात की? म्यू वी रेल से जीरो हो गया, यानी नॉर्मल रिएक्शन की इंपल्स कितनी, म्यू वी रेल के बराबर, तो डिफॉर्मेशन की इंपल्स क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स वी रेल, मेकिंग सेंस, राइट? जो भी म्यू वी रेल मोमेंटम था उसको खा गया नॉर्मल रिएक्शन का जो इंपल्स, तो वो जीरो हो गया मोमेंटम फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे। इसके बाद क्या, अभी भी नॉर्मल रिएक्शन की इंपल्स लग रही है, अब क्या, अब रिफॉर्म हो रहा है बॉडी, राइट? तो अभी रिफॉर्मेशन अगर यानी जितनी स्पीड से आ रहे थे अगर उतनी स्पीड वापस आ गई, यानी जैसे अगर ऐसा कोलिजन है जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, तो उस केस में क्या होगा, जो म्यू वी रेल से अंदर आ रहे थे उतना ही म्यू वी रेल से बाहर भी जाना पड़ेगा, क्यों, तब तभी मेरा मोमेंटम तो खैर कंजर्व हो ही जाएगा, म्यू वी रेल से बाहर जाएंगे और मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगी, क्यों, क्योंकि तुमको पता है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ म्यू वी रेल स्क्वायर, राइट? तो या तो वो सेम म्यू वी रेल से दोनों बाहर जा रहे होंगे, उससे कम से जा रहे होंगे, अगर उससे कम से जा रहे हैं तो इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होती, राइट? समझ में आई बात की नहीं, क्योंकि वी रेल हमारा स्मॉलर हो जाएगा,
अगर मैकेनिक एनर्जी का लॉस हो गया तो सेपरेशन के टाइम पे वीरेल विल बी स्मॉलर देन जो अप्रोच के टाइम पे वीरेल था। अरे बात समझ में नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मेरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से क्या हो रहा है कि कोई मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, उस केस में कैसा दिखेगा तुम्हें कोलिजन, आ रहे म्यू वीरेल मोमेंटम से और जा भी रहे म्यू वीरेल सेम म्यू वीरेल से, मतलब बस ये कि अप्रोच है उतनी स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं और बाद में उतनी स्पीड से सेपरेट हो रहे हैं, तभी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही बात की? इसका मतलब क्या, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि सोचो डिफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो दोनों जीरो मोमेंटम पे बैठे हैं, उसके बाद अभी नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लगे जा रहा है अभी भी। रिफॉर्मेशन में क्या है, सिर्फ रिफॉर्मेशन के बाद म्यू वीरेल बाहर की तरफ मोमेंटम आ गया, तो म्यू वीरेल मोमेंटम इनवर्ड था और उसके बाद कोलिजन कंप्लीट होने के बाद आउटवर्ड है। तो डिफॉर्मेशन की भी म्यू वीरेल इंपल्स और रिफॉर्मेशन की भी म्यू वीरेल है। बट इन जनरल अगर मान लो कुछ मैकेनिक एनर्जी का लॉस हो गया, फाइनली जो सेपरेशन वेलोसिटी है तुम्हें पता है कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा इधर प्रोसेस में, तो हुआ क्या होगा, ये डिफॉर्मेशन के दौरान हो सकता है कुछ बॉन्ड एनर्जी स्टोर हो गई और कुछ हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल गई हो या फिर साउंड एनर्जी निकल गई, वाइब्रेशन आ गए, वाइब्रेशन होंगे तो साउंड एनर्जी भी निकल सकती है। तो उस केस में सेपरेशन के टाइम पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी स्मॉलर देन द वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ अप्रोच। तो समझ गए, तो देयर विल बी सम इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड देयर विल बी सम इंपल्स ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन हो रहा है और उसके बाद रिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इन दोनों इंपल्सेस का जो रेशियो होता है, यानी इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात, रिफॉर्मेशन का इंपल्स डिफॉर्मेशन के इंपल्स से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। तो उसके देखो क्यों, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस ही हुआ होगा, इजंट इट, गेन तो नहीं हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस ही हुआ होगा। तो इसलिए क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुड बी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या, फाइनल म्यू वी रेल की जो वैल्यू है दैट विल बी लेस देन द इनिशियल म्यू वी रेल की वैल्यू, राइट। और फाइनल म्यू वी, तो हुआ क्या, पहले डिफॉर्मेशन के दौरान इनिशियल म्यू वी रेल मोमेंटम को खाने के लिए इंपल्स क्रिएट हुई है, जो डिफॉर्मेशन की इंपल्स है, डिफॉर्मेशन की इंपल्स जो है वो फाइनल म्यू वी रेल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट आई है, तो वो इससे छोटी होगी। तो समझ में आया ये सभी को, तो फाइनल म्यू वी रेल विल बी इन जनरल स्मॉलर देन द इनिशियल म्यू वी रेल अगर कुछ भी एनर्जी का लॉस होता है, तो इसलिए इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वो इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन से ज्यादा होगी इन जनरल, और अगर कुछ भी मैकेनिकल एनर्जी लॉस नहीं होता तो ये बराबर हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो रेशियो है, इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, इस रेशियो को कहते हैं हम कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद ऑयलर वाला ई, ठीक है। तो क्या लिखा, लेट एफ आर एंड एफ डी रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ इंटरक्शन बिटवीन टू कोलाइडिंग बॉडीज ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन रेस्पेक्टिवली। Then we define coefficient restitution of collision as the ratio of impulse of reforming force to that of the deforming force. समझ गए कहीं? वही normal reaction पहले deformation के लिए responsible है, उसके बाद reformation के लिए responsible है, right? So E कैसे defined है? J of reformation upon J of deformation, यानी integration of F reformation dt divided by integration of F deformation dt, right? Now recall that from CM frame the momentum of each colliding particle is mu times u rel. इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी को यू रेल बोल देता हूं इंस्टेड ऑफ वी रेल, ठीक है। तो म्यू यू रेल है बिफोर कोलिजन एंड म्यू वी रेल आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और म्यू वी रेल जो है म्यू यू रेल से छोटा होगा, है ना। ऑल्सो सिंस द सेंटर ऑफ मास इज द जीरो मोमेंटम फ्रेम एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल बॉडीज मस्ट बी जीरो। जीरो मोमेंटम फ्रेम है तो इसका अंदर इंडिविजुअल मोमेंटम भी जीरो हो जाएंगे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे, राइट। Now let us focus on the body 2 before collision. It's body 2 का before collision क्या था? इसका momentum था mu into u2 minus u1, right? Vectorially भी मैंने बताया था two body problem. तो body 2 का जो momentum है mu into u2 minus u1 है at maximum deformation, its momentum is zero. तो thus by impulse momentum theorem, impulse of deformation क्या हो जाएगा? Zero minus mu into u2 minus u1, right? क्या हो गया? Mu into u1 minus u2. ये मेरा impulse of deformation आ गया था, ठीक है? Now after collision is completed, its momentum is mu into v2 minus v1. समझ में आ रही होगी बात? Mu into v rel क्या हो जाएगा? Mu into v2 minus v1 हो जाएगा। तो बस impulse of reformation क्या हो जाएगा? Mu into v2 minus v1 minus 0. समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि zero momentum हो चुका था और उसके बाद नया momentum create हो गया बाहर जब जा रहा है, तो कितना? Mu times v rel, यानी mu into v2 minus v1. तो क्या हो गया? Reformation की impulse होगी mu into v2 minus v1. तो इसलिए हमारा restitution की definition से क्या आ जाएगा? E is J of reformation upon J of deformation. मतलब velocity of separation divided by velocity of approach. U1 minus U2 क्या?
ये U1 से आ रहा है और वो U2 से आ रहा है, तो अप्रोच वेलोसिटी हो गई, यानी या फिर आगे दोनों जा रहे हैं तो U1 माइनस U2 क्या हो गया, मेरा वेलोसिटी अप्रोच हो गया। इधर मैंने जैसे दिखा रखा है दोनों ही पार्टिकल्स जो हैं ये आगे की तरफ जाते हुए दिखा रखे हैं, ठीक है। तो U1 से जा रहा है, U2 से जा रहा है, तो U1 माइनस U2 इज द वेलोसिटी ऑफ फील्ड, राइट। और ये फिर V2 से जा रहा है, V1 से जा रहा है, तो V2 माइनस V1 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ आई कि करके पहले U1 हैज टू बी ग्रेटर देन V2, अगर इसी तरह से लग रही तक कर दो, तब करके बाद V2 हैज टू बी ग्रेटर देन V1, नहीं तो सेपरेशन कैसे होगा। इधर टक्कर के पहले जो है इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तभी टक्कर लगा पाएगा, नहीं तो फिर ये तो चेज ही करता रह जाएगा, अगर U2 ज्यादा होगा तो कभी टक्कर ही नहीं लगेगी, राइट। करके बाद सेपरेट होना जरूरी है, समझ में आई बात नहीं, अगर इसी तरह से जैसे दिखा रखी डायरेक्शन। तो मेरी क्या हो गई ऑल्टरनेट डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये रेस्टिट्यूशन की ऑल्टरनेट डेफिनेशन हो, समझ में। तो क्या लिखा, नाउ रिकॉग्नाइज दैट V2 माइनस V1 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर द कोलिजन, U1 माइनस U2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर द कोलिजन, दस फॉर कोलिजंस ई कैन बी ऑल्टरनेटिवली डिफाइंड एज ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर हो गया रेस्टिट्यूशन की ऑल्टरनेट डेफिनेशन, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हेड ऑन कोलिजन में टोटल इंपल्स हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। बाय द वे रेस्टिट्यूशन तुम अपने आप से फिगर आउट नहीं कर सकते, रेस्टिट्यूशन जो होता है ये बॉडीज की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, आटे का आटे के साथ कुछ और होगा रेस्टिट्यूशन, और नॉट जस्ट खाली बॉडीज की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की खाली प्रॉपर्टी नहीं होती बल्कि ज्योमेट्री की भी प्रॉपर्टी होगी, बड़ा बॉल है छोटा बॉल है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन जो है हम एक्सपेरिमेंटली ही पता लगाते हैं, नॉर्मली थियोरेटिकली हम नहीं पता लगाते हैं रेस्टिट्यूशन जो है, अनलेस कोई बहुत ही वेल डिफाइंड मटेरियल हो, उसका वेल डिफाइंड बहुत बिहेवियर हो, इन जनरल हमें रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट दिया रहेगा या फिर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं हम सेपरेशन वेलोसिटीज और अप्रोच वेलोसिटीज मेजर करके, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन को डिराइव नहीं कर सकते, समझ गए, ये एक मटेरियल बिहेवियर है या ज्योमेट्री का हम कहें फंक्शन है, और पैरामीटर जैसे कोलिजन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अभी मैं मान लो मुझे रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट मालूम है, तो फिर मैं टोटल इंपल्स कैसे निकालूंगा। तो देखो क्या लिखा, नेट इंपल्स ड्यूरिंग कोलिजन इज सम ऑफ डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन इंपल्सेस, दोनों इंपल्सेस का सम। बाय द वे ध्यान रखना दोनों ही इंपल्सेस की डायरेक्शन सेम है, ये मत सोचना कि डिफॉर्मेशन अलग डायरेक्शन में लग रहा है रिफॉर्मेशन अलग, बोथ इंपल्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन ओनली, बस ये है कि वही नॉर्मल रिएक्शन जो है डिफॉर्मेशन कंप्लीट होने तक उसको डिफॉर्मेशन इंपल्स बोलते हैं, वही नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन की सेम डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना कि ये अपोजिट है, सेम डायरेक्शन ही है दोनों इंपल्सेस, राइट। बस ये है कि हमने उसको मेंटली डिवाइड कर रखा है कि डिफॉर्मेशन फेज और रिफॉर्मेशन फेज में, ठीक है। तो टोटल इंपल्स क्या हो जाएगी, जे रिफॉर्मेशन प्लस जे डिफॉर्मेशन, ठीक है। ये दोनों जगह जे आर लिखते हैं, जे आर प्लस जे डी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक कर लेना नोट्स में, दिस शुड बी जे आर प्लस जे डी, ठीक है। यूज द प्रॉपर कलर, जे रिफॉर्मेशन प्लस जे डिफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट। ऑल्सो एज डिराइव्ड इन प्रीवियस सेक्शन, जे डिफॉर्मेशन क्या होता है वो म्यू यूरल है, और जे रिफॉर्मेशन क्या म्यू वीरल है, तो ये क्या है इसको ई टाइम्स जे डी लिख सकते हैं, क्योंकि वी रिलेटिव क्या ई टाइम्स यू रिलेटिव है, मुझे अभी देखा ना रेस्टिट्यूशन से सेपरेशन वेलोसिटी जो है वो ई टाइम्स अप्रोच वेलोसिटी है, तो ई टाइम्स जे डिफॉर्मेशन लिख सकते हैं। इसका मतलब टोटल इंपल्स क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स यू रेल प्लस ई टाइम्स म्यू टाइम्स यू रेल, समझ में आई बात करनी, क्योंकि वी रेल क्या ई टाइम्स यू रेल, राइट। तो बस इसका मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी पता है तो टोटल इंपल्स मेरे को सीधा ही पता चल गया, क्या म्यू इंटू यू रिलेटिव इंटू वन प्लस ई, समझ गए। तो कोलिजंस में क्या है, वैसे तो एक तरीका होता है कि मोमेंटम कंजर्व अलग से करो फिर उसके बाद एनर्जी एनर्जी की क्वेश्चन लिखो, नहीं तो इजिएस्ट तरीका क्या होता है, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटीज पता होंगी, इनिशियल वेलोसिटीज जैसे ही पता है रेस्टिट्यूशन पता है तो इंपल्स पता चल गई, इंपल्स पता चल गई तो फाइनल वेलोसिटी सीधे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से निकाल लेंगे, कोई भी अलजेब्रा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, प्योरली अरिथमेटिक में हमारा काम हो जाएगा। बाकी कन्वेंशनली अगर तुम देखोगे ज्यादातर किताबों में दो साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखी रहती हैं, क्या एक रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखी होगी, यानी दो अनोन्स है ना V2 और V1, लिखा होगा V2 माइनस V1 इक्वल टू E टाइम्स V1 माइनस U2, ये एक इक्वेशन बनाई होगी, तो दूसरी इक्वेशन फिर बनाई होगी M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व किया होगा। इस रिचुअल को बार बार करने से अच्छा क्या है, U1 और U2 अगर पता है तो सीधे इंपल्स निकाल लो, इंपल्स पता है तो बस स्पेसिफिक इंपल्स इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी खत्म, समझ में आई बात की नहीं, स्पेसिफिक इंपल्स इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, दोनों पे इंपल्स तो सेम ही होगी, इक्वल एंड अपोजिट, इनिशियल वेलोसिटी पता है उसमें स्पेसिफिक इंपल्स ऐड कर दो प्रॉपर साइन के बाद सर, तो अरिथमेटिक में काम हो जाएगा, अलजेब्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, मैं चाहूंगा कि तुम लोग जनरली डोंट राइट टू इक्वेशंस, मतलब ठीक है मुश्किल तो नहीं होता, बट व्हेन यू कैन डू समथिंग यूजिंग अरिथमेटिक नो नीड टू डू इट यूजिंग अलजेब्रा, जनरली अरिथमेटिक में टाइम कम ही लगता है, ठीक है। तो समझ में आया ना, तो दिस फॉर्मूला में भी कन्वीनियंटली यूज फॉर कैलकुलेटिंग पोस्ट कोलिजन वेलोसिटीज यूजिंग द इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, क्लियर है।
समझ में आई ना, प्रॉपरली अलजेब्रिक साइन के साथ करने, इसलिए मैं बहुत ज्यादा फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहा, बट समझ में तो आ रहा है कि दो बॉल्स टकराई हैं, आगे वाली बॉल का मास m2 है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, j बाई m2 ऐड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी में, और इधर क्या j बाई m1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसकी वेलोसिटी में, बस ये प्लस माइनस ध्यान से देखें, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है वो देख लेना, ठीक है समझ में आई बात की, तो स्पेसिफिक इम्पल्स ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो साइन के साथ फाइनल स्पीड मिल जाएगी, समझ में आया, क्लियर है, विजुलाइज करके करना ठीक है, तो प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं करोगे, विजुलाइज कर लेना कि क्या क्या हो रहा है, कैसे लग रही है इंपल्स, तो इंपल्स मिल गई तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, उसके बाद तो सिंपल ही है, क्लियर है सभी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनर्जी लॉस इन हेड ऑन कोलिशन इन टर्म्स ऑफ रेस्टिट्यूशन कोएफिशिएंट, टर्न्स आउट कि अगर मुझे ई की वैल्यू पता है तो मैं एनर्जी लॉस एकदम सीधे निकाल सकती हूँ, मुझे कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इन जनरल तो हमारा जो फॉर्मूला हुआ हाफ म्यू वी रेल स्क्वायर राइट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सीएम फ्रेम में क्या होगी, हाफ म्यू यू रेल स्क्वायर होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ म्यू वी रेल स्क्वायर राइट, तो क्या हो जाएगा, हीट लिबरेटेड क्या हो जाएगी, यानी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी राइट, और हीट लिबरेटेड हर फ्रेम में सेम होती है, हीट लिबरेटेड फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि ये क्या है नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस का वर्क होता है जो हीट लिबरेटेड होती है, और वो हमेशा पेयर का वर्क होता है, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे ही तुम रिलेट कर सकते हो उसको, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन पेयर का तो वर्क जीरो ही है ना, तो जो भी हीट निकल रही है किसके एक्सपेंस पे निकल रही है, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एक्सपेंस पे निकल रही है, अगर हमारा फ्री कोलिजन, और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो भी हैं वो हमारे एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, जैसे जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन पेयर होता है, तो ऐसे ही इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, और हमें पता है पेयर का जो वर्क होता है, जब भी एक्शन रिएक्शन पेयर का वर्क होता है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, स्टैटिक पेयर का तो जीरो ही होता है, बट काइनेटिक पेयर का भी फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है राइट, जब भी हमारे इंटरनल एक्शन रिएक्शन पेयर के वर्क की बात होगी तो पेयर का वर्क फ्रेम इंडिपेंडेंट होगा, इसीलिए हीट लिबरेटेड जो होती है हमारी वो फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है, तो हीट लिबरेटेड क्या आ जाएगा बस, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ही देख लो जितना लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का, वही हर फ्रेम से काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है राइट, समझ में आई बात की नहीं, काइनेटिक एनर्जी का लॉस इज द हीट लिबरेटेड, तो समझ गए, तो हाफ म्यू यू रेल स्क्वायर माइनस हाफ म्यू वी रेल स्क्वायर, दिस इज योर डेल्टा की मतलब हीट लिबरेटेड, तो अब हाफ म्यू यू रेल स्क्वायर कॉमन ले लो, और वी रेल तो ई टाइम्स यू रेल, तो बस क्या हो गया हाफ म्यू यू रेल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज द हीट लिबरेटेड है ना हेड ऑन कोलिजन, आई बात समझ, होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ गए, दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपीयर्स एज हीट साउंड और बॉन्ड डिफॉर्मेशन एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, अभी तुम लोगों को मतलब ये नहीं सोचना कि यार हीट लिबरेटेड पूछा है तो अभी क्या करें, साउंड लिबरेटेड भी तो है, सबको शॉर्ट में हीट लिबरेटेड ही कह देते हैं, जहां पर भी ये यूज होता है ना फिजिक्स में अक्सर वर्ड, तो मतलब कह सकते हो कि मिसनोमर है इन अ वे, बट हीट लिबरेटेड का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी का लॉस एसेंशियली, चाहे वो लाइट के फॉर्म में निकले चाहे साउंड के फॉर्म में निकले चाहे किसी भी तरह से निकले, मैकेनिकल एनर्जी जो लॉस हो रही है उसको हीट लिबरेटेड हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, हीट तो क्या है, हीट मतलब इनफैक्ट मैं क्या बोलूँ, फिजिक्स में मिसनॉमर है या फिर इंग्लिश में मिसनॉमर है, हीट तो बहुत स्पेसिफिक टाइप की रेडिएशन जो हम इंसान को हीट की तरह महसूस होती है उसको हम हीट करते हैं, इंफ्रारेड पड़ती है हाथ पे तो हमको हॉट महसूस होता है तो उसको हीट बोल देते हैं, एक्चुअली तो एक्सरे की एनर्जी उससे ज्यादा है, लेकिन एक्सरे जब पड़ेगा तो तुम्हारे टिश्यू को डैमेज कर देगा लेकिन हीट महसूस नहीं होगी तुमको, समझी बात की नहीं, तो एक्चुअली तो ये पुरानी कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग है, जब पता ही नहीं था कि लाइट जो है यानी समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी तब इसको हीट वीट की तरह से बोलते थे, बट अदरवाइज तो क्या है एनर्जी का लॉस है, जो भी हीट जिसको हम कह रहे हैं हीट लॉस, दैट इज द टोटल लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी टू द सराउंडिंग्स, ठीक है ना, जस्ट वन सेकेंड, तो क्या लिखा मैंने, हीट साउंड और बॉन्ड डिफॉर्मेशन स्ट्रेन एनर्जी, सिंस द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स पेयर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम, देयरफॉर दिस लिबरेटेड हीट और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो फ्रेम इंडिपेंडेंट एंड हैपेंस ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, दिस हीट लिबरेटेड क्या है हाफ म्यू यू रेल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस क्या है, तो क्या है हीट लिबरेटेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनर्जी कर दोगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर इज द फ्रैक्शनल लॉस, समझ गए, इसका मतलब क्या है, अगर ई इक्वल टू 1 हो गया तो 0 है लॉस, ठीक है, और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, यानी बॉडीज के सेपरेशन हो ही ना, ये देखना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ई मेरा 0 हो जाएगा, तो फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जितनी भी एनर्जी हो सारी की सारी लॉस हो जाएगी हमारी, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से सेंटर ऑफ मास जितनी स्पीड से चल रहा हो उतनी स्पीड से फिर भी चल रहा हो तो हाफ एम वी सी स्क्वायर एनर्जी तो फिर भी बचेगी, याद करो लीस्ट एनर्जी किस फ्रेम में होती है हमारी, सीएम फ्रेम में होती है, सीएम फ्रेम वाली एनर्जी तो हमारी 0 हो जाएगी, उसके अलावा हाफ एम वी सी स्क्वायर लीस्ट फ्रेम से दिख रहा है तो बचा रहेगा, तो ये बात समझ में आई, लॉस फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी, क्लियर, अभी कुछ डाउट है तो बोल सकते, अच्छा यहाँ पे ये ध्यान रखना ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में फ्रैक्शनल एनर्जी का लॉस है, ठीक है, ऐसा नहीं किसी भी फ्रेम में कर दो, सीएम फ्रेम में इतना फ्रैक्शनल लॉस है, समझ गए, क्योंकि इतना हीट लिबरेटेड है ना, हीट लिबरेटेड मेरा किसी भी फ्रेम में कॉन्स्टेंट है बट टोटल एनर्जी हर फ्रेम में कॉन्स्टेंट नहीं है, याद करो
किसी भी फ्रेम में टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है के नॉट प्लस हाफ प्लस के सी एम, राइट। तो के नॉट क्या मेरा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी, और के सी एम क्या हाफ एम बी सी एम स्क्वायर, तो ये वाला टर्म फ्रेम डिपेंडेंट होगा, राइट। समझ गए? तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फ्रैक्शन, वो के नॉट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी के नॉट क्या है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी दिख रही है। तो अगर मान लो ई मेरा वन हो गया, तो हम बोल रहे हैं कि फ्रैक्शनल लॉस जो है 100, मतलब सॉरी फ्रैक्शनल लॉस मेरा क्या हो गया ई वन नहीं, सॉरी इनको जीरो कर दिया तो फ्रैक्शनल लॉस वन आ गया। इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी दिख रही थी वो जीरो हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल सिस्टम की सारी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, ओवरऑल तो वीसीएम से चल रहा था सिस्टम, तो वही वीसीएम से चलता रहेगा, समझ गए कि नहीं, वो थोड़ी ना जीरो हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल लॉस लिखा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो एक छोटी सी बात नीचे से लिख लो, इन सी एम फ्रेम को, इन सी एम फ्रेम यहाँ पे लिख लो, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। ये सी एम फ्रेम में इतना फ्रैक्शनल लॉस हो जाए, ठीक। हाँ, हीट लिबरेटेड ये एब्सोल्यूट है, हीट लिबरेटेड फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होती, हीट लिबरेटेड ये एब्सोल्यूट है, लेकिन इसको डिवाइड कैसे किया, इसको डिवाइड किया हमने हाफ म्यू यू रेल स्क्वायर से, यानी अब इतनी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से जो टोटल एनर्जी थी उसी से डिवाइड किया, तो ये फ्रैक्शनल लॉस भी सेम फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से नहीं, ग्राउंड फ्रेम से तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं? मान लो ऐसे फ्रेम से चल रहे हो जो 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसमें तो फ्रैक्शनल लॉस नेगलिजिबल ही हो जाएगा। इधर सी एम फ्रेम में हो सकता है 1 नैनोमीटर पर सेकंड से टकरा के आपस में लड़के वो खत्म कर दियो, तो हाफ म्यू यू रेल स्क्वायर जो है वो तो नेगलिजिबल ही एज कम्पेयर टू ओवरऑल हाफ इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू 3 × 10⁶ का स्क्वायर, समझ गए। तो उस केस में तो नेगलिजिबल ही हो जाएगा फ्रैक्शनल लॉस उस फ्रेम से अगर देख रहे हो। तो ये जो भी हम देख रहे हैं ये लॉस जो है फ्रैक्शनल लॉस सी एम फ्रेम से, ऑल दो एब्सोल्यूट लॉस जो है ये किसी भी फ्रेम में सेम हो, एब्सोल्यूट लॉस। क्लियर है सभी को, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो तीन तरह से हम लोग क्लासीफाई करेंगे, ई अगर वन है, ई अगर जीरो है, और ई जीरो से वन के बीच में, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, तो इन द प्रीवियस सेक्शन वी सॉ दैट एनर्जी लॉस्ट इन अ कोलिजन इज प्रोपोर्शनल टू 1 - e² दस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम सी एम फ्रेम ऑल एनर्जी में भी लॉस्ट सी एम फ्रेम में, अगर ई मेरा जीरो हो गया तो फ्रैक्शनल लॉस क्या हो जाएगा, सारा का सारा लॉस हो जाएगा। ऑल एनर्जी में भी लॉस, सम एनर्जी में भी लॉस्ट, और नो लॉस ऑफ एनर्जी में आकर सी एम फ्रेम से, ठीक है। तो दस वी क्लासिफाई कोलिजन, सबसे पहला क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है 1, ई अगर 1 तो कुछ भी हमारा एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, ठीक है। ओके, कोलिजन इन विच मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्वड आर कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इसमें मैकेनिकल एनर्जी मेरी कंजर्व होगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है, क्या लिखा था, कोलिजन इन विच ऑल द अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी इन द सेम फ्रेम इज लॉस्ट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इस तरह के कोलिजंस के लिए क्या हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा। इसके अलावा क्या इन इलास्टिक कोलिजंस, इन इलास्टिक कोलिजंस क्या होंगे, कोलिजन इन विच देयर इज सम और ऑल लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इनफैक्ट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी जो है इन इलास्टिक कोलिजन का एक फॉर्म है, यहाँ पे ई की वैल्यू जीरो ही है, बट इन जनरल ई मेरा जीरो से वन के बीच में इंक्लूडिंग जीरो, तो इसको हम इन जनरल क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक का स्पेशल केस है परफेक्टली इन इलास्टिक। ओके, कोलिजन विच देर इज सम और ऑल लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम सी एम फ्रेम, हम कह देते हैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लो फ्रॉम सी एम फ्रेम, क्योंकि मतलब समझ गए नहीं तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना, फ्रॉम सी एम फ्रेम, फ्रॉम सी एम फ्रेम इज कॉल्ड एन इनइलास्टिक कोलिजन। दस फॉर इनइलास्टिक कोलिजंस ई जो है मेरा जीरो से वन के बीच में, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजंस आर अ स्पेशल केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन विद ई इज इक्वल टू जीरो, समझ गए। तो यही तीन कैटेगरीज हैं, और जेई के पर्पज से इसके अलावा और किसी कैटेगरी में जाना नहीं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इफ द सेपरेशन वेलोसिटी इज मोर देन द अप्रोच वेलोसिटी, तो वो नॉर्मली नहीं होगा, वो उस केस में होगा कि कोलिजन के दौरान कुछ एनर्जी ऐड हो गई, तब ऐसा होगा, तभी सेपरेशन वेलोसिटी जो है अप्रोच वेलोसिटी से ज्यादा हो सकती है। अब ऐड कैसे हो सकती है, जब कोलिजन हो रहा है तो वहां पे धमाका हो जाए, लेटस से कोई केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए काइनेटिक एनर्जी में, तो ऐसा हो सकता है कि मतलब समझे एक बॉल है, फिर जमीन पे मैंने एक पटाखा फिक्स किया हुआ, ठीक है, तो बॉल आई पटाखे के ऊपर पड़ गई, फिर क्या होगा, उस धमाके से बॉल जो है इनिशियल हाइट से भी ज्यादा हाइट पे जा सकती है, तो उस केस में सेपरेशन वेलोसिटी विल बी मोर देन द अप्रोच वेलोसिटी, ठीक है। तो उस तरह के कोलिजन कोई स्टैंडर्ड इस तरह से थ्योरी की तरह से नहीं याद रखना, बोलना है तो उसको बोल लो सुपर इलास्टिक, बट ठीक है वो है नहीं, मतलब कोई स्टैंडर्ड थ्योरी वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ ये हो ही सकता है, या स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी थी वो अचानक रिलीज हो गई, ऑलरेडी वो वेट कर रहा था कि कोई टक्कर आए और उसमें छुड़ा के ले जाए, समझ गए कि नहीं, यानी समझ गए, स्प्रिंग और ऐसे स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी है और अचानक कोलिजन से ऐसा कुछ हुआ कि अनलॉकिंग हुई इस एनर्जी की, तो फिर क्या होगा, फिर जो आने वाली बॉल है वो ज्यादा ऊंचाई पे चली जाएगी, यानी समझो दो ब्लॉक्स को प्रेस करके ऐसे रखा हुआ बीच में धागा बांधा हुआ, और समहाउ क्या हुआ ऊपर से कोई चीज आई और इसका लॉक खुल गया, करके दौरान
फिर क्या होगा, फिर लौटेगा तो और ज्यादा ऊंचाई पे जा सकते हैं, समझ आएगी ना? तो दैट वुड बी काइंड ऑफ सुपर सुपर इलास्टिक कोलिजन, बट ये सब जेई की कोई स्टैंडर्ड थ्योरी नहीं है, समझ गए? ठीक है, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लासिफिकेशन समझ में आया सभी को? तो क्या आगे हम लोग का डिस्कशन है, अगला हम लोग बात करते हैं एनालिसिस ऑफ हेड ऑन कोलिजन। तो ये इनफैक्ट सारी बात बोल ही रखी है, वही दोबारा से यहाँ पे लिख दिया। चलिए, लिखा रिकॉल दैट इंपल्स ड्यूरिंग हेड ऑन कोलिजन इज गिवन एज जे इज इक्वल टू म्यू यूरल इन टू वन प्लस ई। ठीक है, दस इफ बिफोर कोलिजन टू स्फीयर्स आर मूविंग विद स्पीड्स यू वन एंड यू टू, देयर पोस्ट कोलिजन स्पीड्स आर रेडली कैलकुलेटेड। यू टू क्या हो जाएगा, यू टू ये बेसिकली म्यू यूरल लिखा हुआ है, या फिर नेट जे, तो म्यू यूरल इन टू वन प्लस ई डिवाइड बाई एम टू, समझ गए? स्पेसिफिक इम्पल्स बेसिकली वही लिखा है कि इनिशियल स्पीड प्लस स्पेसिफिक इम्पल्स, इनिशियल वेलोसिटी प्लस स्पेसिफिक इम्पल्स इज द फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू वन है, स्पेसिफिक इम्पल्स इस पे बैकवर्ड है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आई। ठीक है, जो पीछे वाला स्फीयर होगा उस पे बैकवर्ड लगेगी और जो आगे वाला स्फीयर है उस पे फॉरवर्ड लगेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस स्पेसिफिक इंपल्स की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली वी कुड आल्सो फाइंड पोस्ट कोलिजन स्पीड्स यूजिंग द इंपल्स मोमेंटम एंड रेस्टिट्यूशन इक्वेशंस। मतलब वही मैंने बोला था ना, ये एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, एक ये इक्वेशन लिखो और दूसरी इक्वेशन लिखो वी टू माइनस वी वन इक्वल टू ई टाइम्स यू वन माइनस यू टू। इससे भी हम काम कर सकते हैं, कभी कभी हो सकता है मैंने भी ये इक्वेशन ही लिखी हो, तो ऐसा कसम खा के नहीं बैठा कि नहीं यूज करना इसको, दोनों चीजों ने हमारे टूल बॉक्स में सब कुछ होना चाहिए, जो कन्वीनियंट लगे उसको यूज कर लो। ठीक है ना, मतलब अब मान लो इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे मुझे V2 दे रखा और U1 दे रखा, तो उस केस में मुझे पता ही नहीं फिर J की वैल्यू, समझ गए कि नहीं? तो उस केस में ये हमारे पास ऑल्टरनेट टूल है ही, तो जब नहीं काम बन रहा अरिथमेटिक से तो अलजेब्रा यूज कर लो। ये हो ही सकता है ना कि इधर U1 दे दिया U2 नहीं दिया, उधर V2 दे दिया और V1 नहीं दिया, तो फिर हम ये यूज कर ही सकते हैं, समझ में आई बात? ठीक है, तो दोनों चीजें हमारे टूल बॉक्स में होनी चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन से भी हम काम कर ही सकते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन मासेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वी हैव सर्टेन स्पेशल केसेस वर्थ मेमोराइजिंग। तब मैं कुछ स्पेशल केसेस बताने वाली हूं, कोलिजंस के कुछ स्पेशल केसेस याद ही रखने हैं तुम लोग। तो क्या है सबसे पहला स्पेशल केस, अगर मेरे आइडेंटिकल मास के बॉडीज हैं, m1 और m2 दोनों बराबर हैं, m के बराबर लेट अस से, और e की वैल्यू 1 है, तो म्यू क्या हो जाएगा मेरा m/2 हो जाएगा, वन इंटू वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, राइट? तो एम बाई टू हो जाएगा रिड्यूस मास। तो अभी इक्वेशन वन से मेरा V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन वन मेरी है, ठीक है, तो इसमें म्यू को डाल दो एम बाई टू और इसको डाल दो एन, तो और ई को डाल दो वन, तो यू टू प्लस, समझ गए? इसको ये वन बाई टू हो जाएगा फैक्टर और ये टू हो जाएगा, समझ में आ गई बात? नहीं, तो इसको अगर डालोगे तो क्या आ जाएगा मेरा V2 आ जाएगा यू टू इंटू वन बाई टू, तो यू वन माइनस यू टू इंटू टू, समझ में आ रहा होगा वही वाली इक्वेशन। तो बस इससे V2 की वैल्यू आ गई U1, ठीक है, यानी सेकेंड बॉल की वेलोसिटी फर्स्ट वाली बॉल से एक्सचेंज हो गई, V2 इज इक्वल टू U1 और V1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो U2 आ जाएगी, उसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, V2 इज इक्वल टू U1 एंड V1 इज इक्वल टू U2, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर आइडेंटिकल बॉडीज में होगा उनकी वेलोसिटी सिंपली एक्सचेंज हो जाएंगी, समझो लुक कर लगेगी तो वेलोसिटी सिंपली एक्सचेंज हो जाएंगी। ये अगर एक रेस्ट पे और दूसरा अगर आके टक्कर देगा तो टक्कर देने वाला रेस्ट पे होगा और ये वाला आगे उसी वेलोसिटी से निकल जाएगा। और ये चीज तुम लोग कैरम बोर्ड पे देखते भी, ऑल्दो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो नहीं होता, बट यू कैन सी समथिंग लाइक दिस हैपनिंग इन अ कैरम बोर्ड। क्या होगा, कोई कॉइन रखा है, उससे आइडेंटिकल कॉइन जब आके उसको हिट करता है तो आइडेंटिकल कॉइन जो आ रहा है वो उसकी जगह जाके बैठ जाता है और आगे वाला कॉइन उसी स्पीड से आगे निकल जाता है, करीब करीब ऐसा होता है, ऑल्दो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता बट कह सकते मतलब ऑलमोस्ट इस तरह का देखने को मिलता है। ठीक है, या स्ट्राइकर का मास उसके मास के बराबर अगर है तो स्ट्राइकर रुक जाएगा और वो पॉइंट चल पड़ेगा अगर हेड ऑन कोलिजन हो तो, समझ गए? ऑल्दो कैरम में हेड ऑन भी होते, वैसे कई सारे तो ओब्लिक कोलिजन होते हैं कैरम बोर्ड में जनरली देखते हो, बट हेड ऑन होगा तो ऐसा देखने को मिलेगा। स्पेशली ये पता नहीं तुमने नोटिस किया कि नहीं, अगर स्टैक बना देते हैं तीन चार कॉइन्स का और उसके बाद सबसे नीचे वाले कॉइन को आगे हिट करते हैं तो नीचे वाला कॉइन कई बार निकल जाता है और जिस जो कॉइन उसको हिट कर रहा था उसकी जगह जाके बैठ जाता है। एग्जैक्टली ये नोटिस किया होगा तुमने, तो वो इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई तो वो जाके उसकी जगह बैठ गया और इस वेलोसिटी से वो आगे निकल गया। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे फ्रिक्शन विक्शन का भी रोल है, तो समथिंग अप्रोक्सीमेटली लाइक दैट हैपेंस इवन इन कैरम बोर्ड सीटिंग सी दैट। ठीक है, तो हम इट्स एज गुड एज की अगर मान लो जो परफेक्टली इलास्टिक बॉल्स अगर टकरा रही हैं, सेम मास की आइडेंटिकल मास की बॉल्स अगर आपस में टकरा रही हैं और अगर मैं पर्दा लगा दूं और इन बॉल के ऊपर कोई मार्कर नहीं लगा है तो उनको ऐसा लगेगा आगे भी एक दूसरे के अंदर से आर पार निकल गई, इज़ इट? मतलब ये भी अगर एक ब्लैक कलर की बॉल है, ये भी अगर एक ब्लैक कलर की बॉल है और उनकी आपस में टक्कर हुई है पर्दे के पीछे टक्कर हुई, तो और थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा, एक बॉल इधर जा रही है एक बॉल इधर जा रही है, तो मैं ऐसा लगेगा आगे भी एक दूसरे के अंदर से निकल गई, क्योंकि ये मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड से आई है 3 मीटर पर सेकंड से आई
और पर्दे के पीछे टक्कर हुई तो तुमको क्या दिखेगा, एक बॉल इधर वही 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, एक बॉल 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, तुमको कैसा लगेगा? एज इफ टक्कर हुई ही नहीं है, ये एक दूसरे के थ्रू निकल गई, समझ गए? तो ये विजुअलाइजेशन हम देखेंगे काफी यूजफुल होता है कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल बॉल्स इज एज इफ द बॉल्स हैव पास थ्रू ईच अदर, तो बॉल्स की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, ऑब्वियसली बॉल्स एक्सचेंज नहीं होती। तो यहीं पे अगर बॉल्स के ऊपर मान लो एक ब्लैक कलर की बॉल है, एक व्हाइट कलर की बॉल है, तो देन यू विल बी एबल टू मेक आउट, क्योंकि तुम्हें मतलब ऐसा नहीं होगा ये 2 मीटर पर सेकंड से आई मान लो ब्लैक कलर की बॉल, तो इस तरफ तो व्हाइट बॉल जा रही होगी 2 मीटर पर सेकंड, और इस तरफ जो है ब्लैक बॉल जा रही होगी, समझ में आई बात? कहीं तो वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज बट बॉडीज डू नॉट गेट एक्सचेंज। हाँ, लेकिन अगर आइडेंटिकल बॉडीज हैं उनके ऊपर कोई मार्कर नहीं लगा तो इट्स एज गुड एज कि एज इफ दे हैव पास थ्रू ईच अदर, समझ में आई बात? कहीं ठीक है। तो इससे रिलेटेड पाथफाइंडर का एक क्वेश्चन है जहाँ पे एक वॉल से आके आइडेंटिकल बॉडीज हैं, टकरा रहे हैं, फिर उसका कुछ रिवर्सल है, तो उसमें इस तरह का विजुअलाइजेशन बहुत यूजफुल होगा। मैंने क्या किया, अपने नोट्स में उसका एक सिंपलर वर्जन डाला है जस्ट टू मेक यू विजुअलाइज हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है? वो आगे आएगा तब देखेंगे, ठीक है? तो ये बात समझ आई ना, आइडेंटिकल मास के बॉडीज का जब कोलिजन है तो इट्स लुक्स एज इफ द बॉडीज हैव पास थ्रू ईच अदर, ऐसा दिखेगा अगर कोई उनके ऊपर कलर मार्कर नहीं लगा रखा या शेप मार्कर कुछ अलग से नहीं लगा रखा, तो ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आ गया क्या लिखा? सो यू कैन से दैट इन अ परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल स्फीयर्स वेलोसिटीज गेट एक्सचेंज फ्रॉम डायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज एज इफ द स्फीयर्स हैव पास थ्रू ईच अदर, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक फ्री हेड ऑन कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल स्फीयर्स। जस्ट वन सेकेंड, सॉरी ये तो हो गया था, सॉरी। नेक्स्ट हमारा है कोलिजन विद अ वेरी मैसिव बॉडी। तो सोचो मान लो बहुत ही भारी चीज आके, सॉरी, कोई बहुत हल्की सी चीज किसी बहुत भारी चीज से आके टकरा जाए तो क्या होगा? तो बहुत भारी चीज के मोमेंटम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे इस तरह की बात है, अर्थ का मास 10^27 kg का ऑर्डर का, राइट? तो अर्थ से आके मान लो कोई 100 किलो का मीटियोराइट आके टकरा जाए तो उससे अर्थ की वेलोसिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बात समझ आ रही है नहीं? ठीक है। या कोई बहुत मासिव ट्रक जा रहा है और मासिव ट्रक के पीछे तुमने कोई क्रिकेट बॉल जाके हिट कर गई मान लो ट्रक के पीछे से, तो की वेलोसिटी को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बॉल तो बॉल की वेलोसिटी पे फर्क पड़ने वाला है। तो क्या होगा, जब भी मैसिव बॉडी से कोलिजन हो रहा है तो तुम्हारा एक अननोन कम हो गया। तुम्हें नॉर्मली तो वी वन और वी टू दोनों कैलकुलेट करने होते थे, लेकिन क्या मैसिव बॉडी की वेलोसिटी का चेंज अगर इग्नोर कर दो तो फिर क्या, उसकी वेलोसिटी तो नोन ही है, जो पहले थी वही बाद में भी है, तो एक ही अननोन है, तो अभी एक ही इक्वेशन से काम बन जाएगा। तो नॉर्मली तो हमें मोमेंटम और रेस्टिट्यूशन दोनों की इक्वेशन लिखनी पड़ती थी, यहाँ पे सिर्फ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन से काम बन जाएगा, है कि नहीं ना? तो क्या लिखा मैंने, लेट एम वन इक्वल टू कैपिटल एम एंड एम टू इक्वल टू कैपिटल, सॉरी, एम वन इक्वल टू स्मॉल एम एंड एम टू इक्वल टू कैपिटल एम, विच इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल एम। तो रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, उस केस में रिड्यूस मास छोटे मास के बराबर ही हो जाएगा, देखना। अगर एक मास बहुत हल्का और एक मास बहुत भारी है तो रिड्यूस मास भी हल्के मास के बराबर ही है ऑलमोस्ट, समझ में आ रही बात की नहीं? एम एम वन एम प्लस एम ने अगर देखो ऊपर नीचे कैपिटल एम से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एम डिवाइड बाई वन प्लस नेगलिजिबल क्वान्टिटी आ जाएगी, देखना। तो एक बहुत हल्के मास का और एक बहुत भारी मास का रिड्यूस मास निकालते हो तो हल्के मास के बराबर ही आ जाता है। इस तरह की बात है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अगर रिड्यूस मास निकालते हो तो वो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है करीब 1800 टाइम्स हैवियर है उससे इलेक्ट्रॉन से। तो ठीक है, तो ये आइडिया कई जगह यूज होता है, इनफैक्ट बोर थ्योरी जो पढ़ाऊंगा तो उसको भी देखेंगे क्या फर्क पड़ता है न्यूक्लियस के मोशन का। ठीक है, तो ये बात समझ आएगी नहीं? अगर एक बॉडी बहुत मैसिव है तो रिड्यूस मास इज एज गुड एज द मास ऑफ द स्मॉलर, राइट? तो अभी इक्वेशन वन में स्मॉल एम बाई कैपिटल एम को अगर मैं 0 डाल दूं तो वी टू तो यू टू के बराबर आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन वन ये है, ठीक है? तो इसमें म्यू को मतलब एम टू को तो कैपिटल एम डाल दो और एम वन को स्मॉल एम डाल दो, और स्मॉल एम बाई कैपिटल एम को करीब करीब 0 पुट कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वी टू की वैल्यू जो है वो यू टू के बराबर ही आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है? क्योंकि ये कैपिटल एम से डिवाइड करोगे ना तो ये तो 0 ही हो जाएगा प्रैक्टिकली ये टर्म जो है, तो वी टू जो है यू टू के बराबर हो जाएगा। मैसिव बॉडी जो है बहुत मास वाला जो बॉडी उसकी स्पीड में चेंज हमारा नेगलिजिबल होगा, समझ में आ रही बात कि नहीं? ये एम टू जो कैपिटल एम होगा तो ये डिवाइड करके तो 0 हो जाएगा ना, फैक्टर नियरली, क्योंकि म्यू तो स्मॉल मास के बराबर है और एम टू कैपिटल मास के बराबर है यानी बड़े मास के बराबर है, तो ये 0 ही हो जाएगा, समझ में? तो ठीक है, तो क्या लिखा, हाँ, तो वी टू जो है यू टू के बराबर ही आ जाएगा अगर बहुत मासिव बॉडी से टक्कर हुई, ठीक है? और अब वेलोसिटी तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉडी रिमेंस सेम। अच्छा, अभी इंपल्स क्या हो जाएगी, म्यू इंटू यूरेल इंटू वन प्लस ई, राइट? वो क्या हो जाएगा, म्यू तो ऑलमोस्ट एम के बराबर ही है, एम इंटू यूरेल इंटू वन प्लस ई के बराबर हो जाएगा। अब मेरा वी वन क्या हो जाएगा, यू वन माइनस बेसिकली स्पेसिफिक इंपल्स कर दिया, ठीक है? ना भी यूज करो तो यहाँ से दिख रहा है ना, ये स्पेसिफिक इंपल्स लिखी हुई है, तो
सोच के देखो, इसको स्मॉल एम से डिवाइड करोगे तो यू रेल इंटू वन प्लस ये आएगी, स्पेसिफिक इम्पल्स वैल्यू, उसकी वेलोसिटी यू वन इधर थी और स्पेसिफिक इम्पल्स पीछे की तरफ है, इसलिए माइनस साइन आ गया, एम से डिवाइड कर दिया इसी यू रेल को। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, राइट? तो जो स्मॉलर मास का बॉडी है उसी की वेलोसिटी में चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार डिस्गाइज में पूछते हैं, उसमें ऐसा इसी तरह से क्वेश्चन होगा कि बॉल जाके ट्रक से टकरा गई, बॉल जाके वॉल से टकरा गई, तो वहां पे बच्चे सोचते हैं अरे ट्रक का मास तो दिया नहीं तो कैसे सॉल्व करें, जरूरत ही नहीं, आपको बहुत मासिव मान लेना, ठीक है? वॉल तो ऑब्वियसली बहुत ही मासिव है, तो ये अंडरशूट होता है कई बार, फ्लोर से टकरा गई, ट्रक से टकरा गई, समझ गए कि नहीं? तो वो कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाएगा तुमको कि अननोन्स कम नहीं है, यानी सॉरी डेटा कम नहीं होता है, वहां पे एजम्पशन देना पड़ता है कि वन बॉडी इज वेरी वेरी मासिव। ओके, ठीक है? तो हाँ, तो क्या लिखा, नोट दैट हियर फाइनल स्पीड्स आर नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द वेरी हैवी बॉडी, दैट इज फाइनल आउटकम विल बी नियरली सेम फॉर स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इक्वल टू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम इक्वल टू 100 हो या 1 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? वेरी मासिव मान लिया तो 100 टाइम्स मास हो तो भी करीब करीब वही आंसर आएगा, 1000 टाइम्स हो या 1 लाख टाइम्स हो या और उससे भी ज्यादा तो भी वही आंसर आएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुत मासिव मान है तो परसेंटेज डिफरेंस कोई खास नहीं होने वाला, समझ गए कि नहीं? ओके, ठीक है। कोलिजन्स विद फ्लोर्स वॉल्स और बॉल्स विद मैसिव व्हीकल्स टिपिकली फॉल इन दिस कैटेगरी एंड वी डोंट नीड टू नो द एग्जैक्ट मास ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्ट मास की जरूरत नहीं, वो 10^5 मान लो, 10^2 मान लो, कुछ खास फर्क नहीं है। ओके, फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम द ओनली अननोन हियर इज द फाइनल स्पीड ऑफ द लाइटर बॉडी व्हिच इज रेडली कैलकुलेटेड यूजिंग द रेस्टिट्यूशन इक्वेशन। और रिड्यूस मास क्या होता है, ध्यान रखने वाली बात है, अगर बहुत लाइट बॉडी है और एक बहुत हैवी बॉडी तो रिड्यूस मास लाइट बॉडी के मास के बराबर ही करीब करीब हो जाता है, ठीक है? तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी, इधर तक कोई डिस्कशन तो नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद अगला केस क्या है हम लोगों का, परफेक्टली इनइलास्टिक हेड ऑन फ्री कोलिजन। ये बहुत सारे क्वालिफायर साथ साथ में एडजेक्टिव्स चल रहे, तो आई होप ये समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे परम्यूटेशन देखोगे तो बहुत परम्यूटेशन बनते चलेंगे, हेड ऑन है, फ्री है, इनइलास्टिक है, तो चॉइसेस इस वर्ड के लिए, इस वर्ड के लिए, इस वर्ड के लिए कुछ कुछ चॉइसेस हैं, तो तुम पीएनसी लगा के देख सकते हो कितनी तरह के कोलिजन बना सकते हो, ठीक है? तो अभी इन इलास्टिक मतलब समझ गए, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब इक्वल टू जीरो है, ठीक है? हेड ऑन मतलब आमने सामने की टक्कर है, फ्री कोलिशन यानी कोई किसी को पकड़ नहीं रखा, ठीक है? फिटने के बाद वो फ्री है जाने के लिए कहीं पर भी, समझ गए कि नहीं? तो इस तरह के कोलिशन में क्या होगा, अगर ई जीरो है, ई जीरो है तो इसका मतलब क्या है, सेपरेशन वेलोसिटी है ही नहीं, वी टू इक्वल टू वी वन है, तो वी वन इक्वल टू वी टू है, तो दस फाइनल कॉमन स्पीड इज रेडली कैलकुलेटेड यूजिंग मोमेंटम वेलोसिटी। इस केस में क्या है, इस केस में हमें मोमेंटम कंजर्वेशन से ही फाइनली मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी अननोन है, कम है, हमें पता है कि टक्कर गया दोनों की स्पीड सेम होने वाली, राइट? तो अगर टक्कर गया स्पीड सेम है तो वापस एक अननोन कम हो गया, ये हमें पता ही है पहले से कि स्पीड सेम होने वाली है, तो बस फिर मोमेंटम कंजर्वेशन से खाली काम कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू फाइनल वेलोसिटी को वी मान लेते हैं, ठीक है? वी तो बस वी की वैल्यू क्या आ गई, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आया सभी को, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? तो ठीक है, आज थ्योरी बहुत सारी पढ़ ली हम लोगों ने, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं, पहले सिंपल सिंपल एप्लीकेशन, बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे चीजें। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेशन ही है, तो बस प्रैक्टिस के लिए दिया कि कैलकुलेशन की थोड़ी सी आदत पड़े। क्या क्वेश्चन है, टू बॉडीज हैव मासेस एंड वेलोसिटीज एज शोन, तो ये 3 kg का बॉडी 1 m/s से चल रहा है, 4 kg का 2 m/s से चल रहा है, ठीक है? कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखा, 0.5, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन है 0.05 सेकेंड्स, ड्यूरेशन भी दे रखी है। कैलकुलेट डिफॉर्मेशन इम्पल्स, रिफॉर्मेशन इम्पल्स, टोटल इम्पल्स, पोस्ट कोलिजन स्पीड्स एंड एवरेज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। एवरेज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, तुम्हें पता है इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम का इंटीग्रल होता है, एफ डी टी इंटीग्रल होता है, तो एवरेज फोर्स निकालना है तो इम्पल्स अपॉन टोटल टाइम कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एवरेज फोर्स, ठीक है? टोटल इम्पल्स डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इम्पल्स। तो इसको मैं चाह रहा हूँ खुद से ट्राई करो, तो प्लस माइनस की गड़बड़ ना करो, इसीलिए ये दिया है, बस प्लस माइनस की आदत डालो ठीक से यूज करने की। तो अगर राइट वर्ड पॉजिटिव लिया है तो तुम्हारा यू वन पॉजिटिव होगा और यू टू नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है? प्लस माइनस गलत नहीं करना, ठीक है? जल्दी से करो इसको, ठीक है? तो सिंपल ही है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो डिफॉर्मेशन इम्पल्स क्या होती है, म्यू इंटू यू रेल, तो ये यू रेल मतलब सीधे अप्रोच वेलोसिटी देख सकते हैं, देखिए म्यू इंटू अप्रोच वेलोसिटी बोल दो, अप्रोच वेलोसिटी 1 से इधर या 2 से इधर तो 3 हो गया, म्यू इंटू 3 हो जाएगा, ठीक? और म्यू क्या होगा, 3 × 4 / 3 + 4 यानी 12/7, तो 12/7 इंटू अप्रोच वेलोसिटी दैट इज 3, तो ये क्या आ गया, 36/7 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, राइट? यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा, समझ में आ रहा हो, मोमेंटम वाली यूनिट, ठीक है? और फिर रिफॉर्मेशन की इंपल्स क्या होगी, वो ई टाइम्स डिफॉर्मेशन का इंपल्स, तो बस इसी को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो,
क्या आ गया 18/7 आ गया, टोटल इंपल्स क्या हो गया दोनों को ऐड कर दिया। ध्यान रखना डायरेक्शन दोनों की सेम होती है किसी भी बॉडी, ठीक है, वो कितना आ गया 54/7। अब स्पीड्स निकालनी है इंडिविजुअल, तो हमें पता है क्या करें, इनिशियल वेलोसिटी में स्पेसिफिक इंपल्स अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास नई वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी पहले क्या है -2 और स्पेसिफिक इंपल्स इस पे आगे की तरफ क्या 54/7 × 1/4, 4 से डिवाइड किया तो स्पेसिफिक इंपल्स बनी, राइट, तो वो दोनों ऐड करके तो क्या आ गया -1/14 ms/s आ गया, ठीक है। और इसी तरह से इसके ऊपर देखेंगे तो पीछे की तरफ लग रहा है इंपल्स इतना ही, कितना 54/7 लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक इंपल्स में इसलिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो +1 पहले है और स्पेसिफिक इंपल्स बैकवर्ड है, इसलिए -54/7 × 1/3, समझ में आया, ठीक है, -11/7 है। आई होप दिस मच इज क्लियर, समझ में आई बात की नहीं। इसका मतलब क्या, टक्कर के बाद दोनों ही पीछे की तरफ जा रहे हैं, दोनों का नेगेटिव आया ना वेलोसिटी, यानी टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी ही लेफ्ट वर्ड है, इसका मतलब ये होगी। अच्छा एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा, 1/9 × टोटल इंपल्स इंटीग्रल एफ डी टी, तो J/T हो गया, तो ये मेरा कितना आ गया 154 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आया समझ में। इसके बाद एक प्रॉब्लम और देखते हैं और फिर आज की क्लास एंड करेंगे। दिस इज पाथ फाइंडर का MCQ 12, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा लगेगा तुम लोगों का, वो ध्यान से सोच के करना है। तो क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन है, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस 5 kg and 10 kg मूविंग इन फ्री स्पेस इन अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटीज 4 m/s and 0.5 m/s, समझ गए, दो बॉडीज आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का ना, तो आमने सामने की टक्कर हो रही है 4 m/s और 0.5 और मीटर ये दे रही थी रिस्पेक्टिवली, अंडर गो हेड ऑन कोलिजन, ओके। फोर्स एफ ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ, तो ये मेरा क्या है, ये ऐसे मेरा फोर्स बढ़ते जा रहा है, उसके बाद फिर ये ऐसे घटते जा रहा है, समझ गए, तो पहले डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, उसके बाद रिफॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, और सिमेट्रिक नहीं है यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ओके। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, सबसे पहला है क्या, पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन इज 0.2 सेकंड्स, कोएफिशिएंट ऑफ रोटेशन इज 0.5, बॉडी ए विल मूव विद वेलोसिटी 0.5 m/s इन द ओरिजिनल डायरेक्शन और बॉडी बी विल मूव विद द वेलोसिटी 1.75 m/s इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो ये सब चीजों पे हमें कमेंट करना है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन वगैरह निकालना है सब चीजें। तो अभी खुद से थोड़ा सोचो, जो चीजें सीखी हैं दैट इज सफिशिएंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो यू शुड बी एबल टू गेट इट, ट्राई करो, ठीक है। इसको जल्दी से डिस्कस कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो फोर्स वर्सेस टाइम डायग्राम दे रखा है, ये 150 है, ये 0.3 है, तो बस इसका एरिया निकाल लो तो इम्पल्स आ जाएगी, और इम्पल्स आ गई तो स्पेसिफिक इम्पल्स आ जाएगी, स्पेसिफिक इम्पल्स आ गई तो फिर इंडिविजुअल वेलोसिटीज आ जाएंगी, इंडिविजुअल वेलोसिटीज आ गई तो वेलोसिटी सेपरेशन और वेलोसिटी अप्रोच का रेशियो से हमको E की वैल्यू मिल जाएगी, तो सब चीजों पे कमेंट कर पाएंगे। तो अभी एरिया निकालोगे तो 22.5 आ जाएगा, ठीक है, और क्या दिख रहा है, ये 4 से जा रहा है, ये 0.5 से पीछे जा रहा है, ठीक है, ये हमको इनिशियली दिख रहा है 5 kg 10 kg के साथ, ठीक है। तो इंपल्स और डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा μ × u1 − u2, तो u1 और u2 की वैल्यू पता है, ध्यान रखना ये प्लस माइनस गड़बड़ नहीं करना, ये अप्रोच वेलोसिटी ही लिखा हुआ है, ये 4 से जा रहा था, ये 0.5 से, तो 4.5 ही है मेरा अप्रोच वेलोसिटी, राइट, μurel को सोचो अप्रोच वेलोसिटी urel, तो ये कितना आ गया 15 Ns आ गया। रिफॉर्मेशन की इंपल्स क्या हो जाएगी, J − JD, ठीक है, तो टोटल J मुझे पता है और टोटल J जो है वो दोनों का सम है, तो बस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये रिफॉर्मेशन में इंपल्स क्या आ गया 7.5 Ns, अब क्या, अब इनका रेशियो ले लो, तो JR/JD कर दो चाहो तो, ठीक है, तो जैसे JR/JD किया तो ये 0.5 आ गया हमारा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब टाउ मान लो डिफॉर्मेशन का ड्यूरेशन है, तो फिर क्या होगा, इंपल्स को हम लिख सकते हैं क्या, एवरेज फोर्स इंटू ये हाफ इंटू 150 × tau, इस तरह से लिखा बेसिकली, ये जो एरिया है बेसिकली दिस एरिया इंटू इम्पल्स इंटू जस्ट वन सेकेंड सॉरी एक सेकंड देना सॉरी आई गॉट कंफ्यूज कुछ और निकाल रहे हैं, एवरेज फोर्स नहीं निकाल रहे यहाँ पे, यहाँ पे हमें ये निकालना है ये टाइम कितना है, तो ये जो है ये मेरी क्या, ये डिफॉर्मेशन की इम्पल्स है और ये मेरी डिफॉर्मेशन की इम्पल्स है, राइट, तो बस इतने एरिया को मैं क्या करूँ, जे डिफॉर्मेशन निकाल चुका हूँ उससे इक्वेट कर दूँ, तो हाफ टू 150 इंटू ये टाओ दिस शुड बी इक्वल टू वो 15 निकाल रखा है, 15 से इक्वेट कर दिया तो मेरे पास टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, ये 0.2 और ये 0.1 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ 5 kg क्या आ जाएगा, वो -0.5 आ जाएगा, ठीक है, यानी 0.5 इन द रिवर्स डायरेक्शन, बेसिकली समझ में आया ना, वो सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, तो सी मेरा गलत है। और 10 kg ब्लॉक के लिए क्या आ जाएगा, हमारा इनिशियल वेलोसिटी प्लस स्पेसिफिक इंपल्स, समझ में आ रही बात, तो इनिशियली -0.5 था और ये, तो ये क्या आ गया +1.75, तो 10 kg की जो है डायरेक्शन रिवर्स हो रही है 1.75 m/s से जा रहा है, ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, तो ए बी डी आर द करेक्ट ऑप्शन, तो समझ में आया ना ये सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, हाँ, इसको मैं थोड़ा रिकॉर्ड मतलब बताता हूँ क्या है, इसमें देखो यहाँ पे
हमें कैसे पता कि ये मेरा डिफॉर्मेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है? तो होता क्या है, जब डिफॉर्मेशन हो रहा है हमारा, तो हमारे पार्टिकल्स पास पास आ रहे हैं। याद पर एनर्जी में मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हम फोर्स निकाल सकते हैं, राइट? तो क्या होगा, नॉर्मली जो एटम्स होंगे वो कितने सेपरेशन पे होंगे, जो लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी उस सेपरेशन पे होंगे, राइट? लेकिन प्रोसेस ऑफ कोलिजन क्या, उनको जबरदस्ती और पास पास लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, राइट? और जैसे तो ग्राफ कैसा होता है तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, ऐसा करके ग्राफ आता है। तो ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, जब जबरदस्ती उसको दबा रहे हो तो यू आर गोइंग समवेयर ओवर हियर, राइट? इसका स्लोप और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे मैक्सिमम फोर्स होता है टिपिकल मटेरियल्स के लिए, ठीक है, ज्यादातर मटेरियल्स के लिए। हाँ, कोई आर्टिफिशियली ऐसा कुछ मटेरियल या सिचुएशन ऐसी क्रिएट की है कि बहुत ज्यादा दबने के बाद टूटी गया तो अपने आपको ढीला छोड़ दे तो एक अलग बात है, समझ में आई बात? नॉर्मली कोई मटेरियल इस तरह का, ज्यादातर मटेरियल जैसे जैसे दबाते जाओगे वो फोर्स जो है स्प्रिंग्स और कॉम्प्रेस और कॉम्प्रेस और कॉम्प्रेस होते जा रहे हैं, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड फोर्सेस को स्प्रिंग की तरह विजुलाइज कर सकते हो। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे जैसे स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम होता है, यानी कोलिशन को विजुलाइज करें तो ऐसे सोच सकते हो कि हर ब्लॉक है, हर ब्लॉक के सामने एक स्प्रिंग लगा हुआ है और दूसरा ब्लॉक है अपना बंपर लेके चल रहा है, ये बंपर टू बंपर टक्कर हो रही है और स्प्रिंग्स दब रहे हैं, तो ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, इसके बाद डिफॉर्मेशन, तो इसलिए हमको पता है अगर ये टिपिकल मटेरियल का कोलिशन है तो दिस मस्ट बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, फिर अभी कुछ डाउट तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने थ्योरी बहुत सारी पढ़ी और प्रॉब्लम्स तो हमने दो तीन ही करी, लेकिन आई होप ये थ्योरी समझ में आई होगी और इसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना, स्पेशली सेंटर ऑफ मास फ्रेम से कैसे हमने इम्पल्सेस वगैरह डराइव किए हैं, तो वो सब चीज एक बार ढंग से पढ़ लेना, तो आगे वाली क्लासेस में काफी आसानी होगी तुमको यूज करोगे, ठीक है। और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखें, उसके बाद फिर ओब्लिक कोलिजंस पे चलेंगे, कुछ इरोडो के क्वेश्चन हैं, तो ये सब ग्रेजुअली धीरे धीरे करके लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।